वो जादू नहीं दिखा पाए जिस जादू की दरकार थी कांग्रेस को आखिर एग्जिट पोल आने के बाद कई जगहों पर यह दिखाया जा रहा था लगातार कि इन जगहों पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी लेकिन फिर बाद में तमाम चीजें पलट गईं और ये निकलकर सामने आया कि यहाँ पर सीटें कम मिल रही हैं आखिर कौन है इसका और किसके किस सिर फोड़ा जाएगा हार का ठीक ऐसा होता है तो नमस्कार मैं हूं शशि प्रिया और एक बार फिर से हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम में और बात करेंगे राजस्थान की जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यहां से सत्ता की बागडोर जा सकती थी सचिन पायलट के हाथ में लेकिन क्या राहुल के डर की वजह से गहलोत के हाथ में चली गई सत्ता या फिर पुराने कांग्रेसी थे गहलोत इसलिए उन्हें मिला मौका और उसे संभाल नहीं पाए गहलोत ऐसे कई अहम सवाल खड़े हैं और इन्हीं अहम सवालों पर हम चर्चा करेंगे और ज्यादा विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान की सत्ता गहलोत के हाथ में चली गई जी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्या उसे निभाने में बड़ी चूक हो गई गहलोत से या फिर राहुल गांधी का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया सचिन और गहलोत के बीच फासला तय करते हुए देखिए बिल्कुल राजस्थान में जिस तरह से सीटें हासिल की कांग्रेस ने और ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस के हाथ सत्ता नहीं आएगी उस समय एग्जिट पोल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पूरी तरह से नहीं माना जा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की वापसी यानी हो सकती है लेकिन ये सचिन ही थे कि जो रात दिन एक करके वहाँ पर पाँच साल पूरी मेहनत की और कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास पैदा किया कि कांग्रेस आपका जो विश्वास है उसके ऊपर खड़ी उतर सकती है अशोक गहलोत इसके बाद एंट्री करते हैं जिनका रोल शायद नहीं था पूरे कैंपेन में उस दमदार तरीके से पूरे कैंपेन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सचिन पायलट नज़र आए थे और सचिन पायलट ने घर घर जाकर लोगों से अपील की लोगों से बोला कि भाई मैं आपकी उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरूंगा और मुझे याद है अच्छे से वो जब भी अपना कोई भी भाषण करते थे उसमें जमीन की बात करते थे यानी खेती किसानी की बात करते थे किसानों को बीज की बात करते थे एक ऐसा नेता है जो हमें सिर्फ ये कहता है की मैं काम करूंगा पूरे राज्य के अंदर आप मुझे मौका देते हो और विश्वास टूट गया यही यही कि जिस तरह से सचिन के नाम पर वोट दिया लेकिन जब माता पच्चीस शुरू हुई सीएम पद को लेकर तो नाम निकल कर आता अशोक गहलोत का जो पहले ही अगर हम बात करें जिसकी जिनकी वजह सत्ता गई थी उनको एक बार फिर सत्ता में लाकर बैठा दिया जो आ, लोगों ने समझा कि सचिन पायलट को एक बार फिर नंबर दो की पोजीशन पर लेकर चले गए राहुल गांधी तो ये कहीं ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया पूरे राजस्थान में क्योंकि लोग सीएम के तौर पर पूरी तरह से सचिन पायलट को देख रहे थे और लगातार उनसे उन भी पूछा जाता रहा कि भाई आप आप सीएम बनेंगे राज्य के आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो उन्होंने ये अंत तक भी यही कहा कि जो पार्टी फैसला करेगी मैं उसके बखारा उतरूंगा लेकिन हाँ अब जब सी एम अशोक अशोक गहलोत हैं और राज्य की की कमान उनके हाथ में है और राज्य में काम क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो सारी बागडोर वही थामे हुए हैं लेकिन अगर इसके बावजूद कांग्रेस सिर्फ एक या दो सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है तो इसका खामियाजा कौन तैयार होगा ये एक बड़ा करेंगे? सवाल है और कौन होगा इसका जिम्मेवार और किस तरीके से घटनाएं तो तो हुई वहां पर जिसने की दहला कर रख दिया था राजस्थान को चाहे वो अलवर का मामला हो या फिर कुछ अन्य मुद्दे किसानों की भी कई ऐसे अहम मुद्दे रहे जो काफी जिम्मेदारी लेने की बात है कि क्या अशोक गहलोत जिम्मेदारी लेंगे क्या हार की जिम्मेदारी अशोक गहलोत लेकिन तैयार हैं ये बहुत सारे मामले हैं क्योंकि अलवर वाला मामला आपने गिनाया है बिल्कुल देरी हुई है उस मामले में और लोगों ने बड़ा मतलब आक्रोश जताया है सरकार को लेकर कि आपने मामले को दबाने की कोशिश की आपने जो काम तेज़ी से होना चाहिए था उस तेज़ी से आपने काम नहीं कराया इसीलिए जो छब्बीस अप्रैल को मामला हुआ है उसके चार पाँच छः दिन के बाद एफ़ दर्ज होती तो बहुत सारे इस तरह की चीज़ें थी कि क्या आपने तुरंत काम कार्रवाई नहीं करने दी या कार्रवाई का आदेश नहीं दिया तमाम सारे सवाल हैं लेकिन हाँ देखिए अगर राजस्थान में कांग्रेस की वही स्थिति बनती है तो मेरे ख्याल से सारे आंकड़े हैं अगर जिस तरह से एग्जिट पोल के जरिए हमारे तुम्हारे सामने आ रहे हैं अगर उसके ही हिसाब से सब रहा कल तक का हम लोग इंतज़ार है तो क्या कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है राजस्थान में या फिर एक बार फिर कांग्रेस उसी धरे पर चले गए चलती चली आ रही है बड़े सवाल है क्योंकि आपके पास युवा थे आप शायद उनको राज्य के सीएम बना सकते थे और एक अच्छा मैसेज दे सकते थे अगर आपने नहीं दिया इसका मतलब लोगों में कहीं ना कहीं जरूर इसको लेकर निराशा हो रही है बिल्कुल अब तो ज्यादा वक्त भी नहीं है बस कुछ घंटे कह सकते हैं हाँ वो घंटे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन अब हम लगातार उस तरफ बढ़ रहे हैं जबकि नतीजे आ जाएंगे लेकिन राजस्थान को लेकर ये चौंकाने वाले आंकड़े वाकई में एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल में जिस तरीके से दिख रहा है कि कांग्रेस अब सिमटती हुई नजर आ रही है कांग्रेस अपनी जो शाख मजबूत करने की तरफ एक कदम बढ़ा चुकी थी फिर से रिवर्स गियर लग गया है देखिए बिल्कुल मुझे याद आ रहा मॉब लिंचिंग की बड़ी चर्चा हुई थी राजस्थान में लेकिन जरा आप गौर करिए अलवर में जो मामला हुआ है ये क्या है ये भी तो वही दर्शाता है कि यहाँ पर भी लोग झुंड बनाकर आते हैं और एक मासूम को दरंदगी हद तक नोचते खसूटते हैं ये क्या दर्शा रहा है ये यही दर्शा रहा है कि आप आज भी सिस्टम में उतने मज़बूत नहीं हो पा रहे हैं कि लोगों के अंदर डर पैदा कर सकें लोगों के अंदर खौफ पैदा कर सकें और ढीला ढाला रवैया आपका नज़र आ रहा है पूरे मामलों को लेकर ये लोगों में ज़रूर इसका मैसेज जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो वायदे आपने ये थे क्या उन पर आप खड़े उतर पा रहे हैं बिल्कुल क्या बिल्कुल। जो ज़मीनी स्तर पर आपने काम की बात कही थी लोगों को रोजगार देने की बात कही थी और आपने ये बोला था कि हम किसी समुदाय को नहीं जानते हम सिर्फ काम को जानते हैं हम काम को लेकर आगे बढ़ेंगे क्या वो सब बातें पूरी हो पा रही हैं शायद नहीं हो पा रही इसी की वजह से लगातार जो राजस्थान के लोग हैं वो परेशान हैं और हो सकता है कि इसका खामियाजा कांग्रेस को कल जबकि तेईस मई में जो परिणाम आएंगे उसमें भुगतना पड़े क्योंकि एक्सिट पोल तो बता ही चुके हैं कि वहां पर कांग्रेस की कितनी खस्ता हालत होती हुई नजर आ रही है यानी कि यही हो रहा है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर जो वापसी की राह तक रही थी इन सब राज्यों में क्योंकि ये जीते हुए राज्य हैं है मध्य प्रदेश की बात कर सकते हैं राजस्थान की बात कर सकते हैं छत्तीसगढ़ की बात कर सकते हैं और तीनों में ही कांग्रेस सीटें कम आती हुई नजर आ रही है इसका मतलब यही है कि क्या जो जनाधार लोगों ने दिया था वो वापस ले लिया आपसे क्या जो विश्वास दिखाया था वो फिर अविश्वास में बदल गया तमाम सारे सवाल हैं तो राजस्थान एक अहम मुद्दा और अहम सीट भी इसलिए क्योंकि राजस्थान को लेकर सबकी निगाहें थी और खास करके कांग्रेस को क्योंकि कांग्रेस ने वहां से वापसी की थी कांग्रेस को एक मजबूत जगह मिली थी जहां पर कि वो अपनी पैठ जमा सकती क्या वाकई उसमें कामयाब हो पाएगी अमन क्या लगता है क्या इस तरीके से जो लोगों के वोट प्रतिशत देखने को मिले हैं उससे क्या लगता है कि, की की, तो तो कि हम, हम तो खरा नहीं उतर तो रह पा रहे क्या, जो वायदे हम लोग करते हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं लो आक्रोश लोगों।, लोगों में जरूर होता है खासकर आप अगर केंद्र में देखेंगे तो जरूर लोगों में आक्रोश था लेकिन एक बार फिर विश्वास बहाल जो हम कहते हैं कि आप भरोसा करके देखिए हम फिर आपको वही सब चीज़ देंगे जो आप हमसे डिमांड करते हैं लेकिन क्या राजस्थान में वैसा नहीं हो पा रहा है क्या जो लोग आपके साथ कल खड़े थे वो आज नहीं खड़ा होना नहीं चाहते क्यों क्योंकि आपने जो कहा था वो करके नहीं दिखाया तमाम सारे मुद्दे हैं कर्ज माफी के लेकर बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन कर्ज माफी के अलावा भी तमाम सारे काम थे जो करने के लिए हैं क्या वो आपने किए हैं क्या जनता आपसे क्योंकि रिपोर्ट कार्ड मांगना बड़ा आसान होता है कि आप हमें रिपोर्ट कार्ड दीजिए आप हमें बताइए कि आपने पाँच साल में क्या किया लेकिन जब आपका नंबर आता है तो आप भी चुप हो जाते हो खामोश हो जाते हो आपके पास भी पुरानी सरकारों पर जो है ठीकरा फोड़ने के अलावा कुछ नहीं होता तो मेरे ख्याल में क्या नेतृत्व को बदलने की जरूरत है क्या अशोक गहलोत आने वाले टाइम में भी राजस्थान के सीएम रहेंगे क्या आब आब कुर्सी बदल सकती है चेंज हो सकता है चेहरा तमाम सारे सवाल हैं लेकिन इसका जवाब तेज को ही मिलने वाला है क्योंकि जब पूरी तरह से नतीजे सामने आएंगे और अगर इसी तरह के जिस तरह के एग्जिट पोल बता रहे अगर यही आंकड़े सामने रहे तो मेरे ख्याल में कांग्रेस को मेरे ख्याल में नई लीडरशिप की जरूरत है नए लोगों की जरूरत है तभी नैया पार हो सकती है नहीं तो यूं ही एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे और कोई भी जनता का

कि क्या वाकई जो एग्जिट पोल बता रहा है वो सच साबित होगा तो इसके लिए 23 मई को हम तमाम लोगों का है 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 इंतजार लेकिन एक चीज और है, बड़ी बात ये है कि कांग्रेस की अगर हम बात करें और राजस्थान की बात करें जनता बहुत ज्यादा जागरूक नहीं नजर आ रही है क्योंकि आपने देखा 2014 में और उसके बाद जो 2018 और बीच में जो चुनाव हुए तुरंत बदल गए नतीजे देखिए दो हजार में अठारह का मुझे अभी भी एक वाक्य याद है जब सचिन पायलट से पूछा गया कि बीजेपी के पास तमाम लीडरशिप है तमाम बड़े नेता हैं, तमाम आला दर्जे के नेता हैं। आपके पास क्या है तुरंत तो बोला हमारे पास जनता है हमारे पास और बिल्कुल वो उन्होंने दिखाया। और यही बात मैं कह रहा हूँ कि क्या वो जनता का विश्वास अब खत्म हो गया है अगर ये रिजल्ट सामने आ रहा है तो इसको बनाने की ज़रूरत है और क्या सचिन पायलट में वो काबिलियत है क्या वो ने, नेतृत्व करने की क्षमता है जो उनको वहाँ का जिम्मेदारी दी जाए सीएम पद की तो तमाम सारे सवाल हैं जो तेज़ के बाद लगातार उभरेंगे और लगातार इस पर बातें होंगी लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं वो ज़रूर ये साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस फिलहाल बेहतर पोजीशन में नज़र नहीं आ रही है चलिए तो कांग्रेस आखिर बेहतर पोजीशन में नहीं है तो क्यों नहीं है इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि ये हम नहीं कह रहे ये उस वक्त का प्रतिशत और रिसर्च बता रहे हैं कि कांग्रेस का आंकड़ा जरूर कम हो सकता है और वहां पर कौन हो सकता है हार का कारण और किसके ऊपर फूटेगा हार का ठीकड़ा आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन जो चेहरे हैं उन्हीं पर कई सवाल उठ रहे हैं ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या राजस्थान में तख्ता पलट होगा या फिर राजस्थान में जो चेहरे नजर आ रहे हैं उन चेहरों पर कुछ विचार विमर्श करने की ज़रूरत है अमन बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया क्या वाकई वहां पर कांग्रेस को जरूरत है कि बदलाव की बदलाव की जाए या फिर जिस तरीके से हमारे सहयोगी अमन जी ने बताया कि वहाँ पर अगर कोशिश की जाए तो बेहतर और हो सकता है 2022 की तस्वीर साफ़ हो सकती है ये तमाम चीज़ें एक मौका भी हो सकता है सीख लेने की तो क्या वाकई कांग्रेस सीख ले पाती है देखेंगे आप भी कीजिए इंतज़ार हम भी करते हैं इंतज़ार नमस्कार अपने हमारे कमेंट्स जरूर देते रहें और हमें सुझाव दें हमें समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं और इसलिए आप वे आइकन दबाइए क्योंकि जब तक आप हमारा चैनल देखेंगे नहीं तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा नमस्कार